जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसके लिए अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, केवल भविष्य को संभारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर है। खानी तो बस दो ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरगिराने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है,